वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी बड़ी स्माइल मेरे फेस पे इसलिए क्योंकि फाइनली वो दिन आ गया जब हम हमारे स्पेशल यू नो शूट ट्रिप पे जा रहे हैं। और जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, तो बताते पीछे मन्नी कैमरे के पीछे कह रहे हैं कि कम रिवील कर, ज्यादा मत बता, क्योंकि अभी हमारा व्लॉग भी आने वाला है। लेकिन हम ऐसे लाइक तैयारी तो कर सकते हैं ना। आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर विद यू गाइस। चलो आओ तैयारी जीत की। सो वी आर लीविंग सून, कुछ ही दिनों में, तो पैकिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये रहा हमारा जो कि वॉक इन क्लोजेट होने वाला था इनिशियली, लेकिन ये अब हमारा स्टोर रूम में कन्वर्ट हो गया है। ऑल्सो जो तुम ये देख रहे हो, यस, ये भी हमारे साथ जाने वाला है। सच अ बिग पैकेज। ये सिर्फ एक आउटफिट है, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। ये लगेज में आई डोंट नो कैसे जाएगा क्योंकि ये खुद में एक लगेज लग रहा है, बट कोई बात नहीं, तैयारी जीत की कर रहे, कर लेंगे यार, पैकिंग होती रहेगी। बट अभी हमें बाहर से ना थोड़ा सामान उठाना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी और एक्साइटेड हो रखी हूँ उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यार कुछ भी ना ऐसा मिस सा ना हो जाए, मैं सब कुछ ऐसे उठा के ले जाऊँ। आई एम हैविंग अ सीरियस प्रॉब्लम है, बट यू नो वॉट, आई डोंट केयर, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। मैं अपने साथ एक चीज़ लेकर आई हूँ, स्नीक पीक, सॉरी मन्नी, कुछ चीज़ें हैं बतानी ज़रूरी। और वैसे भी अब देख, टाइटल में तो सबको पता चल ही गया, अब हम कितना छुपाए, कोई बात नहीं, यू शुड नो। तो बेसिकली मेरे को इस ब्लाउज से मैचिंग कलर का चूड़ा लेना है, बैंगल्स लेनी है, एंड होपफुली अगर कुछ मुझे मैचिंग ज्वेलरी भी मिल जाए तो हम वो भी पिक कर लेंगे। सुंदर बादल बहुत सारे वाले, फाइनली काफी दिनों बाद हम आ गए हैं ज्वाला हेड़ी बाजार में। तो ऑलरेडी समर का इतना प्यारा स्टफ दिख रहा है, लेकिन हम फोकस ना लूज करते हुए जो मेन स्टफ है जो हम लेने आए हैं वही लेके जाएंगे। होपफुली कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला नहीं चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल भी आपको बताया कि 3,050 के लगभग, बिल्कुल कम क्वालिटी वाला था। 3,000 रुपये का चूट, मैंने बोला मेरे को बिल्कुल कम वाला देखो, बिल्कुल इतना तो इनफ है। डबल लेना चाहिए सिंगल मुझे कैसे पता, ये नहीं बोलना है, यही रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा इतने शॉपिंग करने का। ज्वेलरी मस्त लग रही है, हम कहाँ से आए थे, इतनी भूल भुलाई ऐसा लग रहा है। ओके बैंगल्स हो गए, थोड़ी बहुत ज्वेलरी देखता हूँ, निकलते हैं। एक तो मेरे को भूख लगाती है बाहर आते ही, घर पे भूख नहीं लगती मेरे को, बच्ची छोटी बच्ची हो क्या। वो ये ड्रेस कितनी मस्त लग रही है, चलो मेरे साथ। डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं हम, हमें ये चाहिए, कुछ शिफ्ट कर ही लिया है जो हमारे बिल्कुल प्लान में नहीं था, जो कि कभी भी नहीं होता है, बट हो जाता है, तुम सोचा के साथ हो। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, हम थोड़ा कूल ऑफ होने के लिए आ गए, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारा सामान ले लिया जो मेरे को चाहिए था। सबसे पहले था चूड़ा, बैंगल्स मैंने वो ले लिया, मेरे को जाते ही पसंद आ गए, लाइक मेरी इतनी कोई ज़्यादा खास लाइक चॉइस या वो प्रेफरेंस नहीं थी, फर्स्ट जो दिखाया मेरे को वो ही पसंद आ गया, एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मेरे को मिल गया, तो आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। तो ज्वेलरी में भी बहुत सारे ऑप्शन थे, मैं अगेन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई, बट मैंने नॉर्मल बेसिक ऐसे वाइट पर्ल मिरर वर्क वाला कुछ ले लिया, जो कि मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट सब यू नो आउटफिट्स का चल जाएगा, क्योंकि और भी आउटफिट चाहिए, सिर्फ यही आउटफिट नहीं है। एंड उसके बाद फिर यहाँ तक आते हुए बीच में मेरे को इतनी सारी चीज़ें दिख गई, तो मैंने एक ड्रेस भी थ्रिफ्ट कर ली जो कि सोनिया, बट ठीक है। तो हमने बैंगल्स तो ले लिए हाथ में पहनने के लिए, लेकिन इनका क्या करेंगे, मेरे नेल्स की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो रखी है। तो मैंने सोचा कि फाइनली आफ्टर सो मेनी मंथ्स आई एम गेटिंग माई नेल्स डन, लेकिन मैंने कोई भी लाइक ऐसे प्लानिंग नहीं की, कोई भी ऐसे विजन बोर्ड नहीं बनाया कि मेरे को किस तरीके के नेल्स चाहिए। तो मैं सोचूँ ऐसे क्लासिक प्लेन बेसिक वाले, ना कमल नहीं कह रहा क्या हो रही है। इट्स ओके मन्नी, ये छोड़, अभी तक मेरा एक घंटा और बैठना है नेल्स कराते हुए। द चॉइस इज ऑल योर्स, बट ही लव स्पेंडिंग टाइम विद मी। नेल सलोन में बहुत भीड़ हो रखी है, लिटरली मैं बाहर आ गई हूँ, अभी टाइम लगेगा, लेकिन उसके साइड में सलोन है, मेरे को अपने बाल भी कटवाने हैं तो वो करवा लेते हैं। इतने फाइनली मैंने अपने बाल ठीक करवा लिए, मैंने पूरा लुक नहीं चेंज करवाया क्योंकि मेरे को लग रहा था यार इतनी मुश्किल से बाल लंबे हुए हैं, मैं इन्हें और ग्रो करना चाहती हूँ, तो जो आगे का फ्रंट सेक्शन था ना मैंने उन्हें और छोटा करवा लिया। वैसे वो छोटे थे बट वो थोड़े से बड़े हो गए थे, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, बेसिकली मैंने बस आगे से ठीक करवाए हैं। एंड अभी नेल्स में और टाइम लग रहा है, तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमने सोचा कि चलो कुछ खा लेते, हमने सोचा कुछ भी नहीं खाया, वैसे भूखे घूम रहे हैं। मन्नी कहाँ लेके जा रहे, तो हमें मन्नी ही लेके जा रहा है हमें, हमने मन्नी के हाथ में स्टेयरिंग छोड़ा हुआ है। एक्चुअल में मन्नी अपने सोयाबीन कपल चैनल पे ज्यादा बोलता है लग रहा है। मन्नी यू आर वेलकम टू स्पीक हियर आल्सो, मुझे पता है कि सेम थिंग है
मतलब सब यहाँ पे भी वही लोग हैं और वहाँ पे भी वही लोग हैं, बट पता नहीं। तो हेलो तो करो, हेलो। मेरे से निकलता ही नहीं कुछ। ये क्या बात है, वी नॉट टॉकिंग टू यू एनीमोर। हम फाइनली खाना खाने के लिए घर पे आ गए थोड़ा सा, क्योंकि हर जगह बहुत टाइम लग रहा था। हमने सोचा कुछ नहीं खाया सुबह से, तो हमारे पास है सोयाबीन मसाला, दाल, प्याज चटनी, रोटियाँ। वाह, सिंपल यमी खाना। पेट पूजा के बाद टाइम है डिजर्ट का। इतने टाइम बाद फाइनली मेरे को ये आइसक्रीम मिल गई है। दिस वन आई प्रेफर, क्योंकि यूजली मैं आइसक्रीम्स नहीं खा पाती बिकॉज आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, मतलब कि मैं मिल्क डाइजेस्ट या मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह डाइजेस्ट नहीं कर पाती, बट आई हैव दिस। इतने टाइम बाद मेरे को मिली है अमूल की लैक्टोज फ्री आइसक्रीम। ये बेसिक एक ही फ्लेवर आता है इसमें, वनीला, बट इट्स ओके, आई जस्ट लव इट सो मच। लाइक जो मिल रहा है उससे काम चलाना, बट या नाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे रखनी है और मैं भूल ना जाऊँ वो है सनस्क्रीन। आई लिटरली हैव सो मेनी ऑफ देम। अभी मेरे हाथ में चार है, एक और भी था मेरे पास स्प्रे वाला, वो भी मुझे ढूंढना है क्योंकि हमें बहुत सारे चाहिए। मेरे को लग रहा है सारे यूज़ हो जाएंगे क्योंकि हमारा लाइक पूरे टाइम बाहर का ही काम है, आउटडोर शूट है, एंड वैसे भी समर्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अब तुम मुझसे पूछोगे कि इनमें से सोनिया तुम्हारा कौन सा फेवरेट है, या मेरे चारों पाँचों ही फेवरेट है, मेरे को ये सारे ही सूट करते हैं, एंड मेरे को जो से भी हाथ में पहले आ जाता है ना मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। आई जस्ट लव सनस्क्रीन। चलो मंडी नेल्स करवाने चलना है, नेल अपॉइंटमेंट टाइम हो गया है। हेलो हेलो, देखो नेल्स करवाने हैं। हालत खराब होती है ना, इतनी नींद आती है, लेकिन हम नेल्स कराने जा रहे हैं फाइनली। अब मेरा मन भी नहीं कर रहा, आई एम लाइक हाँ ठीक है छोड़ो, बट नहीं सुंदर बनेंगे। बारिश का मौसम हो गया है, मैंने ये वाले नेल्स सोचे हैं मैं ये वाले करवा लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही क्लीन है एंड कलर पिंक ही अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं ग्रीन भी करवा सकती हूँ, लाइक लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन है ना, मैंने वो कोई फर्क नहीं पड़ता, डू इट एवर। मंडी बेचारे को बैठना है मेरे साथ वहां पे घंटा। थैंक यू, फाइनली मेरे नेल्स हो गए भाई साहब, इतना क्लीन, इतना अच्छा वर्क किया भैया ने, मेरे को बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। लाइक जैसे मेरे को चाहिए थे एग्जैक्ट वैसे ही सटल नेल्स एंड नॉट टू लॉन्ग, क्योंकि मैं तो कैरी नहीं कर पाऊंगी, जिम वगैरह भी ज़्यादा होता है। भाई साहब हम अंदर बैठे हुए थे, बाहर इतना मस्त मौसम हो गया, बादल छोड़ो बारिश हो चुकी है इतनी तेज़ वाली, अब तो फिलहाल रुक गई है, हम बाहर आ गए। बट इट्स सो नाइस, इतना सुंदर लग रहा है, मैं पूरे दिन इनको देखने वाली हूँ, आई एम गोइंग क्रेजी ऑलरेडी। हेलो, गुड मॉर्निंग। कल इतना सारा काम रैप अप करने के बाद थोड़ा बहुत एडिट भी किया था भाई साहब, आई जस्ट लेफ्ट, आई वाज सो टायर्ड। लेकिन अभी बज रहे हैं सुबह के 5:04 एंड हम है जिम के लिए तैयार ऑलमोस्ट, मेरी आंखें नहीं खुल रही बट हम है तैयार। यस, अंदर से हम पूरे जगे हुए हैं। एंड वैसे भी तुम मेरे को कहते रहते हो कि सोने शेयर योर वर्कआउट रूटीन, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट लेट टेक यू गाइस मेरे जिम में आज। आज वैसे मेरा लेग और शोल्डर डे है, तो मस्त वर्कआउट जिम करेंगे और आगे बाकी काम भी निपटाएंगे, बट अभी जिम चलते हैं। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, अभी सुबह हो रही है, इतना ज़्यादा अंधेर है, बट यही मेरे को मजा आते सब शांति बिल्कुल आराम से जाओ। तो लेग्स एंड शोल्डर डे वाले दिन सबसे पहले मेरा होता है लेग्स, सबसे पहले मैं लेग्स करती हूँ, उसके बाद मेरा शोल्डर होता है। तो लेग्स में अभी मैं धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ा रही हूँ, लाइक मैं बिल्कुल हैवी वाली ट्रेनिंग भी कर रही हूँ लेग्स में, क्योंकि अगर किसी को याद हो तो मेरी थोड़े टाइम पहले नी सर्जरी हुई थी छोटी सी, तो उसी वजह से लाइक आई एम टेकिंग इट स्लो, लाइक स्ट्रेंथ बढ़ाना धीरे धीरे। लेकिन उसके बाद है शोल्डर, तो मुझे करने में बड़ा ही मजा आता है, वो एक्सरसाइज मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइजेज है। सो या पीकॉक हमारे घर के ऊपर, हेलो हेलो। फाइनली वी आर बैक फ्रॉम द जिम, इतने अच्छे से मैंने वर्कआउट किया एंड अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है। एंड मेरे को ये भी पता है कि तुम्हें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होगी कि वेर आर वी गोइंग एंड शूट कैसा जाने वाला है। सो डोंट यू वरी, आई कीप यू अपडेटेड इस चैनल पे भी एंड सोयाबीन कपल चैनल पे भी। सो यार स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, आई एम टू एक्साइटेड ऑल्सो। अभी वैसे यही रूटीन मेरा चल रहा है लाइक प्रिपरेशन में, या फिर वी जस्ट गो टू द जिम, आके ब्रेकफास्ट, देन शूट, एंड देन यू नो द होल डे जस्ट goes like that, editing and all. But I hope you had fun and abhi next video mein milte hain. Bye.